करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल आपके सामने जो प्रमुखता से हम सामने रख रहे हैं, क्या चुनावों में हिंदुत्व ही सबसे बड़ा मुद्दा है? इस बार के चुनाव में चाहे आप विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा के चुनाव की बात करें, क्या हिंदुत्व ही वो मुद्दा है जिस पर हर कोई चर्चा करता दिखाई देगा? चाहे गोत्र की चर्चा हो या फिर जनेऊ की, क्या यही है वो सियासत जो आज सामने होगी? क्या यही सियासत पर भारी पड़ती दिखाई देगी? आज मुद्दे गौण रहेंगे। अगला सवाल जो आपके सामने रख रहे हैं, क्या मुद्दों की जगह धर्म पर होगा चुनावी महासंग्राम? क्योंकि आज मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन हर कोई हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदुत्व इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। कुछ ही देर में हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी जुड़ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, नेशनल कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, संगीत रागी जी संघ के विचारक हमारे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और वसीम गाजी जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत अभय दुबे जी मैं आपसे करूँ, आखिरकार क्या हम समझें आज शिव भक्ति तमाम शिवराज सिंह चौहान की कमियों के ऊपर भारी पड़ती दिख रही है? जो तस्वीर आज सबसे ज्यादा मानस पटल पर है वो है राहुल गांधी के महाकाल के दर्शन की, तो यही है मुख्य मुद्दा आज? हाँ अजय जी, आप अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में आएंगे तो एक प्रमुख खबर सारे रीजनल चैनल्स पर और अखबारों में पाएंगे। मध्य प्रदेश में चल रहा है 40 दिन 40 सवाल। कमलनाथ जी ट्वीट करके मिनिस्ट्री वाइज मोदी सरकार से जानिए मामा सरकार की बदहाली का हाल, 40 दिन 40 सवाल। हम पूछ रहे हैं कि क्यों 38% मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में कोलैप्स हो गया, मोदी जी बता रहे हैं। हेल्थ प्रोफाइल मोदी जी की बताती है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 35 लाख लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मध्य प्रदेश में ग्रसित हैं, 18 लाख लोग डायरिया का शिकार हैं, 48 लाख बच्चे अंडर नरिश मध्य प्रदेश में हैं, 32% बच्चियों की नाबालिग बच्चियों की शादी हो जाती है, 46,000 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। तो अगर राज्यों में जहां पर नेशनल टेलीविजन की बात करें या फिर अखबारों की बात करें, हर जगह राहुल गांधी के महाकाल की दर्शन की तस्वीरें क्यों छाई हैं? क्यों सबसे ज्यादा आज यही चीज सुर्खियां बटोर रहा है? देखिए, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया और राहुल जी ने इस बात को आज पत्रकारों के साथ उनका इंटरेक्शन था, अभिभूत थे सारे पत्रकार कि राहुल जी हम चाहते हैं कि ये आपका स्वरूप देश भर में दिखाई दे। तो राहुल जी ने स्वयं ने कहा कि आप दिखाना प्रारंभ कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए कि मोदी सरकार, शिवराज सरकार, रमन जी, रानी साहिबा, इन लोगों ने आखिर किया क्या है जी। आप उनका भी पक्ष लीजिए, मगर सिर्फ इन धर्म के मुद्दों को आधार बनाकर देश की राजनीति को करना बंद कर दीजिए। यह हमारी आस्था का प्रश्न है और राहुल जी ने चुनौती दी कि हिंदू धर्म पर मैं चुनौती देता हूं कि बहस करे भारतीय जनता पार्टी मुझसे कि आखिर हिंदू धर्म क्या है और आप किस हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं जो हिंदुस्तान के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। तो अजय जी महत्वपूर्ण बात कही और संगीत रागी जी बहुत जोर से मुस्कुरा रहे हैं, बात और विश्वास जी मुझे लगता है कि भी संगीत रागी जी की एक बात सुन लीजिए फिर आप अच्छा जवाब दे पाएंगे उसके लिए। संगीत रागी जी देखिए जी, देखिए राहुल जी के किसी भी बात को मैं न गंभीरता से लेता हूँ न मैं टिप्पणी करने लायक समझता हूँ। दूसरी बात देखिए 15 साल से राहुल गांधी राजनीतिक ट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी राजनीति के वो बच्चे हैं, अभी उनके सयाने भी नहीं बने हैं, इसलिए उस पर मुझे बात नहीं करनी है। दूसरी बात, आपने कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव में आने वाले दिनों में मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, राजनीति की वृद्धावस्था में पहुंच गए। नहीं नहीं ठीक है सर, हम हैं वृद्धावस्था में, माफ करता हूं, कोई बात नहीं, हमें आप बोल लेने दीजिए। देखिए तो मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अगर आप बच्चे जैसे शब्द को प्रयुक्त करेंगे तो क्या शोभा देता है? ये राजनीतिक नौशिखुआ मैंने कहा है, थोड़ा इस तरह का चर्चा हमारे राजनीतिक नौशिखुआ मैंने कहा है, विद्वान व्यक्ति हैं आप हैं सर, हमने माफी मांग ली, विड्रॉ किया यदि आपके 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 हृदय में कांग्रेस पार्टी का अनुभव है नहीं, मैंने माफी मांग ली, अब आप आगे मुझे बढ़ने देंगे?
विद्वत्ता से बात कीजिए, ठीक है, मैं रागी जी कोई बात नहीं। देखिए, आपने कहा कि लोग हिंदुत्व, मुझे तो लगता था कि 2019 का चुनाव जो है वो हिंदुत्व के अतिरिक्त विकास के मुद्दे पर भी लड़ा जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिस प्रकार से हिंदू समाज अपने आप को छला हुआ महसूस करता है, जिस प्रकार से समाज हिंदू समाज अपने आप को दगा दिया हुआ महसूस करता है, नहीं नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कल कोई जजमेंट नहीं दिया। सर सर मुझे बोल लेने दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से 1.5 मिनट के अंदर हिंदुओं की भावनाओं का पद्दलन किया गया है, माफ कीजिएगा, आने वाले दिनों में हिंदू समाज इसका प्रतिकार करने के लिए सड़कों पर उतरेगा। संगीत रागी जी, अगर मैं यहाँ पर अभय जी, मैं आता हूँ, आप बिल्कुल इस पर राजनीति होगी, मुझे जरा रागी जी से बिल्कुल इस पर राजनीति होगी, मुझे मैं आता हूँ अभय जी, सेकंड दीजिए, जिस मैं आपको पूरा एक मिनट दूंगा, लेकिन रागी जी मुझे इस बात को स्पष्ट कर दें अभी यहाँ पर। क्या आज आप ये कह रहे हैं कि संघ परिवार जिसका मुखिया है आरएसएस, आज आरएसएस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई वैधानिकता नहीं है आज हमारे देश में, क्या आप यह मानना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जिसे भंग कर देना चाहिए, क्योंकि आपके शब्दों से ऐसा ही लग रहा है। सुन लीजिए, दो बातें, मैं संघ का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक हिंदू आइडियोलॉग हूं और मुझे ऐसा बोलने का अधिकार है एज ए हिंदू आइडियोलॉग, एक। दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश का तिरस्कार नहीं कर रहा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के प्रति विपरीत टिप्पणी नहीं कर रहा, का लेकिन कर सुन लीजिए, जज की बात कोई नहीं कर रहे, भी संस्थान कोई भी संस्थान लोक चेतना से बड़ी नहीं हो सकती है। वी द पीपल जिसमें नहीं आता है, क्या आप समझते हैं वी द पीपल से राम मंदिर के लिए आता है क्या? सुन लीजिए, नहीं जी, राम मंदिर के लिए है। साल से जो चीजें पड़ी हुई हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट पर आप समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप नकार रहे हैं, लायक नहीं समझते हैं आप, आप नक्सलियों को सुनने के लिए, बहस का मुद्दा है, सुन लीजिए, बहस जरूर करेंगे, नक्सलियों को सुनने के लिए आप खुद जाते हैं दरवाजे पर, हम अलग से बहस करेंगे। अभय जी 10 सेकंड दीजिए, बिल्कुल अभय जी, लेकिन राम मुद्दे पर चुप्पी ऐसी, अभय दुबे जी, लटकाने का प्रयास, हम इस पर बहस करेंगे जी। अभय दुबे जी, 2019 में महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं जी, अभय दुबे जी, आज जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं। देखिए अजय जी, मैं पूछना चाहता हूं मेरे विद्वान साथी से, देखिए ये अगर न्यायालय के 1.5 मिनट के निर्णय के प्रति ये वक्तव्य देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 30 साल के आचरण के प्रति क्या वक्तव्य देंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से पूछा गया आचरण, तो ये कहा, देखिए मैंने आपके बीच नहीं बोला, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने कहा कि हमें सत्ता दे दीजिए, हम मंदिर दे देंगे, और जब सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरी है, संगीत रागी जी, मेरा आग्रह, विनम्र आग्रह है, हम एक दूसरे की बात को कहने दें। थैंक यू अजय जी, अभय जी, अजय जी धन्यवाद जी। देखिए, हाँ देखिए अजय जी देखिए, हुआ ये इस हिंदुस्तान में कि जब भी प्रकरण न्यायालय में लंबित था, लालकृष्ण आडवाणी जी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से पूछा गया कि मामला तो न्यायालय में लंबित है, उन्होंने कहा कोई न्यायालय हमारी आस्था का फैसला नहीं दे सकती, हमें सत्ता दो हम मंदिर दे देंगे, सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरियां है, जिस दिन पूर्ण बहुमत होगा भगवान राम का वैभवशाली मंदिर बना देंगे, जिस दिन पूर्ण बहुमत दे दिया तो कहते हैं न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, अब जब चुनाव सिर पर आ गए, न्यायालय की अभिरुचि नहीं है, तो ये न्यायालय पर खींच क्यों निकालना विश्व हिंदू परिषद पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह से आक्षेप कर सकते हैं, क्या ये अपने आप में सही है? पार्लियामेंट की सारी गरिमाएं ध्वस्त हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होता है, आपके पास प्रचंड बहुमत है, देश की संवैधानिक सभा प्रचंड बहुमत
संगीत रागी जी प्लीज विजय जी जब संसद के अंदर संसद के सांसद कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल जी कहते हैं महाभियोग लाने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत बढ़ रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट के चार जज रागी जी हमें कम से कम विजय जी की बात सुनना चाहिए। विजय जी संक्षेप अपनी बात संगीत रागी जी प्लीज एक मिनट हमारी आस्था का कोई आस्था नहीं है, भगवान सिर्फ ढोंग है। अजय जी वचन की मर्यादा की रक्षा, अजय जी चलिए त्याग करना। अच्छा संगीत रागी जी मुझे इस बहस को आगे ले जाने दीजिए। संगीत रागी जी प्लीज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमें इस तरह के आचरण से हम बहस नहीं कर सकते। प्लीज एक मिनट। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि राम आस्था का विषय है और उस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक मिनट मैं इसी बात को जरा लेकर विजय शंकर जी से आपसे समझा। विजय शंकर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं राम आस्था का विषय है। बीएचपी ने प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आज इस पर अध्यादेश लेकर आना चाहिए, नहीं तो बिल लेकर आइए पार्लियामेंट में। कांग्रेस कहती है राम आस्था का विषय है, आप कहते हैं राम आस्था का विषय है, बीजेपी कहती है राम आस्था का विषय है, फिर दिक्कत क्यों है? दिक्कत कहां है? इसका मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अबे जी मैं 1984 से कानून ला करके मंदिर बनाना चाहिए ये हमने पहली बार नहीं कहा, 1984 से कह रहे हैं हम जी। ये बात कांग्रेस को पता नहीं है, आज की बात नहीं है ना, 84 छोड़िए आज की बात की, और सुनिए आज हम 2018 की बात कर रहे हैं। बार बार कानून का सारा क्यों लिया जाता है? मैं कहता हूँ सारे दस्तावेज कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास सारे के सारे दस्तावेज है, पुरातत्व के सारे दस्तावेज कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट के जो निर्णय है उनकी प्रोसीडिंग सारी उसके पास है। आस्था 100 करोड़ आस्था भी सुप्रीम कोर्ट को पता है, इसके बाद भी 2 मिनट का समय भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पत्थरबाजों के साथ कोई निर्णय होता है वहां हमारे पास समय है। रात में 2 बजे एक आतंकवादी को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट सजा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए 2 मिनट का समय नहीं है। आकर प्रश्न उठेगा, बिल्कुल सारे देश में प्रश्न उठेगा, और सुधांशु मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सुधांशु मित्तल जी से ये समझ लूं, सुधांशु मित्तल जी क्या भारतीय जनता पार्टी भी यह मानती है कि आज सुप्रीम कोर्ट पार्टीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने आज न्याय नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट हिंदू भावनाओं को नहीं समझ रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भंग कर देना चाहिए? देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए ये सब जो बातें आपने कही है ये कहना ही अनुचित होगा। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया में काम करना है, लेकिन जो देर हो रही है इस विषय में वो एक चिंता का विषय है। जनभावना उससे जुड़ी हुई है, और जब सब लोग कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करे, तो आज के माहौल को देखते हुए इस पे फैसला जल्दी से आना चाहिए। ये आकांक्षाएं या ये उम्मीदें रखना ना वाजिब है, इसमें कोई बात नहीं। प्रश्न यह है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, भाजपा स्पष्टता से कह चुकी है और मानती है कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए। अब 3 ही विकल्प है कि न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अपना फैसला दे दे जी, या फिर आपसी रजामंदी होगी या कोई कानून बनेगा। तो आपके पास रास्ता क्या है? फैसले की तरफ मित्तल जी, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने रास्ता क्या है? जल्दी आएगा तो शायद देश के लिए अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? देखिए,
मैं बताता हूं। एक हमेशा याद रखिएगा अनिल जी कि जो जो संवैधानिक विकल्प हैं वो हमेशा हर एक के सामने होते हैं। अच्छा, संवैधानिक विकल्पों की चर्चा करना या उसकी मांग करना या उस पर विचार करना असंवैधानिक कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता। मैं बार बार चर्चा में लोगों से सुनता हूं कि साहब आप बहुत बड़ा घेरा बना रहे हैं। सीधे मुख्य बिंदु पर आइए ना, आज दो रास्ते हैं, या तो पार्लियामेंट में संसद में बिल लाया जाए और उस पर चर्चा हो जी, या फिर अध्यादेश लाया जाए। बिल लाने में कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई अड़चन है क्या? अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, कह रहे हैं कि राम आस्था का विषय है। स्वाभाविक, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम आस्था का विषय है, भारतीय जनता पार्टी कहती है राम आस्था का विषय है, तो फिर दिक्कत कहां है? आपके पास तो पूर्ण बहुमत है, बिल लाइए, पास कीजिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। इनसे कह दिए, दो कथन स्पष्ट कर दें जी। जहां पे राम लला का जन्म हुआ वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये स्पष्ट कर दें, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक कभी ये स्पष्टता से नहीं कहा है कि वहां पे राम का मंदिर बनना चाहिए। हम तो स्पष्टता से कहते हैं कि वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए, कह दें। और दूसरा ये कह दें कि कोई विधेयक इसमें आएगा तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, कह दें, मामला ही खत्म हो जाएगा। चलिए अभय जी, बात यहां पे कहेंगे कुछ। देखिए अजय जी देखिए, एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता ही इस बात पर हासिल की है कि सत्ता दीजिए हम भगवान राम का मंदिर दे देंगे घोषणा पत्र में रखकर जी। भगवान राम के प्रति इससे बड़ी कोई अनास्था हो सकती है? कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं था पहले दिन से। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि न्यायालय का निर्णय शिरोधारी होगा, जो बात आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लेने के बाद कह रही है। भारतीय जनता पार्टी को विश्व हिंदू परिषद ने माघ मेले में प्रस्ताव पारित किया कि आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाओ, कोई समाजवादी बहुजन समाजवादी कांग्रेस किसी की जरूरत नहीं, मोदी जी आप पार्लियामेंट में कानून पास कर दीजिए। ये न्यायालय की एक तारीख की बात करते हैं, 4.5 साल से भगवान राम प्रतीक्षा कर रहे हैं, मोदी जी की सर्वोच्च न्यायालय पार्लियामेंट में कब तारीख लगेगी उनके नाम की, उसमें तारीख भी नहीं लगाना चाहते हैं। और यहां बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं सब लोग आकर के। मैं खास करके नाराजगी व्यक्त करता हूं विश्व हिंदू परिषद से, जिन्होंने एक बार भी डिबेट में वो बात नहीं कही जो माघ मेले में प्रस्ताव पारित किया कि हम मोदी सरकार की संसद का घेराव करेंगे अगर ये कानून नहीं बनाएंगे तो, 20 लाख लोग मार्च कर देंगे उनके खिलाफ। ये सार्वजनिक रूप से नहीं कहते, बंद कमरे में अपने कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन के लिए मात्र कहते हैं। भगवान प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी तो ऐश्वर्य के आडंबर में ठाठ से हैं और भगवान। चलिए, आपने एक तरह से स्पष्ट कर दिया, ऐसे भी इसमें कोई शक नहीं है कि आज मैनिफेस्टो में अगर किसी एक पार्टी के लिखा था कि राम मंदिर वही बनाएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सुधांशु जी, इससे पहले कि मैं आपसे इसका जवाब लूं, जफर अमीन साहब से जरा समझ लूं। जफर अमीन साहब, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी भी क्या कांग्रेस की तरह इस बात का इंतजार कर रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी इस बाबत संसद में प्रस्ताव सामने रखे और उसके बाद चर्चा हो? देखिए, समाजवादी पार्टी तो सिर्फ एक बात शुरू से कह रही है कि बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो वादा बीजेपी ने कहा था एक भी पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख देने की बात रही हो। रहा सवाल ये कि चाहे वो संघ प्रचारक जी हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के तिवारी जी हों, वो ये बतावें कि 4 साल क्यों चुप रहे, 4.5 साल तक 2014 के बाद आज तक, आज क्यों राम मंदिर इशू को याद आया और न्यायालय का जल्दी फैसला हो ये बात क्यों याद आई? देखिए, मसला कुछ नहीं है, मसला सबसे बड़ा ये है कि देश का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है जी। और संविधान के खिलाफ अगर कोई जाता है तो वो राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता, राष्ट्र का दुश्मन होगा, संविधान अपने हिसाब से काम करेगा। दूसरी बात, फैसले की जहां तक बात है, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबरीमाला मंदिर के फैसले पर और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह का बयान दिया है जी, वो एक बड़ा शर्मनाक बयान है। देश कैसे ले चलेगा अगर संविधान के को और सुप्रीम कोर्ट को
हम नहीं मानेंगे तो देश के सामने मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहता हूं मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है मेरे पास। गाजी साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि आज जिस तरह से संगीत रागी जी ने कहा हिंदुत्व ही मुद्दा है और यही मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश में असंतोष है। गाजी साहब देखिए बिल्कुल पूरे देश में नहीं, कहीं भी कोई आक्रोश नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ विश्व हिंदू परिषद बीजेपी और आरएसएस की समस्या है। और 2019 में जब इनकी दो सीट रह जाएंगी तो इनको हिंदुस्तान में खुद हिंदू इनके ऐसी हालात कर देंगे कि इन्हें दुबकने की जगह नहीं मिलेगी। नंबर टू सुप्रीम कोर्ट, मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, आज ये पानी पी पी के गाली बक रहे हैं, ये हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फासिज्म की सबसे मिसाल है। और इनको जो सुधांशु मित्तल साहब इतने सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, इनको नहीं मालूम कितनी कोशिश की, तीन तीन प्राइम मिनिस्टरों ने 50-50 मीटिंग की, नरसिम्हा राव साहब ने, चंद्रशेखर साहब ने, वीपी सिंह साहब ने। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और आज लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या तमाम विधानसभा के चुनाव में, यानी कि 5 विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदुत्व, क्या यही है मुद्दा? इससे पहले की चर्चा शुरू करें, आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज नेशन को क्या कहा। देश की न्यायपालिका के प्रति सबका सम्मान है और हम भी उन संवैधानिक बाध्यताओं से बंधे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय यथाशीघ्र इसका समाधान निकाले। स्वाभाविक रूप से अगर न्याय में देरी होती है तो लोगों को में निराशा होती है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यह भी कहा कि अगर न्याय में देरी होती है तो उसे अन्याय भी माना जाएगा। सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से, संगीत रागी जी, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी से और वसीम गाजी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह का आक्षेप अपने आप में सही है या नहीं, राम मंदिर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और क्या हिंदुत्व ही एक मुद्दा बचा है पूरे देश भर में चर्चा के लिए। हमने योगी आदित्यनाथ जी की बात भी अभी आपके सामने रखी, न्याय में अगर देर होती है तो वह अन्याय है, योगी आदित्यनाथ ही ये कह रहे हैं। आप ये हमें बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो तारीख जनवरी 2019 की रख दी गई है ये अन्याय है। सुधांशु मित्तल जी, ऐसा है अजय जी, ये कहावत शुरू आदिकाल से आई है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और उसी कहावत को अगर अभिव्यक्त करा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, ये कथन जो है अपने आप में एक बड़ी विकृत मानसिकता का परिचय देता है। अभी अभय दुबे जी का आपने सुना धारा 108 हिंदुस्तान के संविधान की, उसमें क्यों नहीं ले आते? अरे अभय जी, धारा 108 क्या कहती है कि जब कोई सदन का बिल पास हो जाए और दूसरा सदन ना करे तब आप जो है ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, या दूसरा सेशन दूसरा सदन उसके अंदर अमेंडमेंट करे तब आप ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। कम से कम बात करते समय तथ्य और सत्य दोनों की बलि ना चढ़ाइए। दूसरा एक बड़ा मैं कहना चाहता हूं, मैंने इनके से प्रश्न करा था अजय जी कि भाई हमने तो कह दिया वहां पे जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, तुम क्या कह रहे हो? उसका जवाब नहीं दिया। यहां पे बैठ के उल जलूल प्रवचन देना और मुद्दे की बात नहीं करना, भाई वहां मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए बता दो, एक बात। दूसरी बात मैंने पूछा, इन्होंने कहा क्यों नहीं ये ले आते हैं बिल ले आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई बिल का आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे बता दो, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग आपकी तरह नाटक नहीं करते। इस समय आपको राम पद की याद आ रही है लेकिन राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आपको मध्य प्रदेश के चुनावों में पंचायत के अंदर गौशाला देना चाह रहे थे लेकिन अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये आपकी मानसिकता है। देखिए तो इसलिए स्पष्टता से बात करिएगा, घुमा फिरा के बात नहीं करिएगा, गोल मोल बात नहीं करिएगा, बिल्कुल स्पष्ट जवाब देने की हिम्मत हो तो दीजिएगा, नहीं तो मैं जानता हूं आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जी अभय दुबे जी, देखिए लंबा सवाल मत करिए, जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी ने शायद सुना नहीं मेरा वक्तव्य, फिर से इनको सुनाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये माघ मेले का विश्व हिंदू परिषद का प्रस्ताव है जो मैंने पढ़कर सुनाया कि वो कह रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला दो आप, अगर कह रहे हो राज्यसभा में बहुमत नहीं है। एक बात सुधांशु जी, अरे आप क्या कह रहे हैं आप वो बताओ ना, उनका छोड़िए ना, आप तो अपनी बात करो। आप मुझे बताइए क्या ये सच नहीं है कि अक्टूबर, सुनिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, मैंने पहले वक्तव्य में कह दिया कि पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो हमको शिरोधार्य होगा। भगवान राम, राम राज्य की अवधारणा में हम विश्वास करते हैं सुधांशु जी, राम है क्या? भगवान राम से सीख ये मिलती है कि वचन की मर्यादा की रक्षा, सत्ता को त्याग कर वन में गमन मंदिर करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वचन तोड़कर सत्ता भोगते रहना भारतीय जनता पार्टी की बोल बोलना करिए, ये तो फिर व्याख्या करने में लगे। अरे मंदिर नहीं होना चाहिए बताइए, मंदिर अयोध्या तक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मानने का सवाल है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है? आप ईषण त्याग, सुनिए अब सुनिए, आप सुन लीजिए, अगर हम वक्तव्य दे देते तो आप इस्तीफा दे देंगे क्या सरकार से अभी तत्काल? बताइए मुझे, आपने सत्ता मांगी किस आधार पर कि मंदिर ला कर देंगे, हमें सत्ता दे दीजिए, हर हाल में मंदिर देंगे। अब जब मंदिर दे दिया तो मुखौटा लगा लिया, अरे भाई भगवान राम का निर्णय न्यायालय करेगी, पहले कहते थे कि कोई आस्था का फैसला न्यायालय, जाहिर सी बात है मुद्दे पर दोनों पार्टियां अपने अपने बचाव के हर रास्ते का इस्तेमाल कर रही है और ये बात स्पष्ट यहां पर होती दिख रही है। संगीत रागी जी, आप अभी अपने अजय जी, जी अभय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, दोनों पार्टियों ने अपनी बात स्पष्ट कर दी जी, अच्छा चलिए एक मिनट, सिर्फ एक मिनट अभय दुबे जी, सिर्फ एक मिनट आपके पास। हर हाल में अजय जी, हर हाल में मंदिर अयोध्या में बनेगा भगवान राम का, और पाखंडियों का अवसर नहीं मिलेगा, पुण्यात्माओं का अवसर मिलेगा। नहीं चलिए ये बात स्पष्ट है, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ये बात स्पष्ट है। आइए 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 आइए, अब इसमें कहां पर और कैसे पेज की बात नहीं। सुधांशु मित्तल जी अब यहां पर मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात अभी अभय दुबे जी ने कही वो बात स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज तक क्यों नहीं कहती? एक मिनट सुधांशु मित्तल जी, मैं अजय कुमार आपसे पूछ रहा हूँ, सुधांशु मित्तल जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए सुधांशु मित्तल जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आज से नहीं बल्कि 1992 के पहले से भी हमेशा राम मंदिर बनवाने की बात कही गई थी। 4.5 साल तक एक ही राग लापा गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं, आज अचानक आप विधेयक की बात क्यों कर रहे हैं? अजय जी कृपा करके हमारा जो है घोषणा पत्र पढ़ लीजिए जी, कांग्रेस बोले तो समझ आता है, आप जब बोलते हैं तो मुझे निराशा होती है। उसमें स्पष्टता से लिखा है हमारी मान्यता है कि वहां पे जहां पे रामलला का जन्म हुआ वहां पे भव्य मंदिर बनना चाहिए जी, लेकिन उस मंदिर के बनने की तीन ही प्रक्रिया हो सकती हैं। पहली प्रक्रिया तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उस मंदिर के बनने की तीन प्रक्रिया के बारे में आपके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा है साहब। अरे भाई चुप रहिए ना, बोलिए ना, आप अपना ढकोसला बंद करिए। और तीसरा लिखा हुआ है, सुनिए, और तीसरा लिखा हुआ है या उसमें जो है कानून बने, आपने ये तीनों जो है प्रावधान जो है उसका हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। सुधांशु जी मैं अजय कुमार फिर आपसे ये सवाल, अरे मैंने उलझन नहीं बोला, सुधांशु जी मैं आपसे ये सवाल एक बार फिर आपके सामने रखता हूँ, मंदिर बनना चाहिए, ये सवाल आपके सामने फिर रख रहा हूँ। बाकी सारे भाषण भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने हमेशा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, ये बात स्पष्ट है कि नहीं? अरे आप धूल झोंक रहे सत्ता के नाम पर सिर्फ। खैर चलिए आइए हम जरा इसको बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। संगीत रागी जी, स्पष्टता से मैं फिर कह रहा हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आज तक का हमने तीनों चीज कही है और हर एक जो संवैधानिक विकल्प है वो किसी के लिए भी उपलब्ध है और किसी को भी उसकी मांग करना जायज होता है। चलिए बिल्कुल जायज है, लेकिन पार्टी का रुख क्या है ये आप नहीं सामने रख रहे। संगीत रागी जी आप बहुत क्षुब्ध हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली, लेकिन ये बताइए कि अब विकल्प बचता क्या है, आगे का रास्ता क्या है? हिंदुत्व ही है क्या वो रास्ता जो 2019 तक लेकर जाता है? संगीत रागी जी देखिये मैं हिंदुत्व को राजनीति की और वोट की कसौटी पर कर करके नहीं इसे बोलूंगा। मैं दो बातें कह रहा हूँ, कल की सुनवाई से दो चीजें निकली, एक जो कांग्रेस की जो चिर परिचित पुरानी लंबित उसके मन की इच्छा थी
कि तुरंत राम मंदिर मूवमेंट पर कोर्ट से निर्णय नहीं आए वो सच साबित हुआ। दूसरी बात, जो संतों की आशंका थी, जिसे माघ मेले का उन्होंने कहा, संतों की जो आशंका थी कि कोर्ट इस मामले को खींचते, कोर्ट में इस मामले को खींचा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां जो हैं इसको उस दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं, कल वो भी शंका साबित सच साबित हुई। तीसरी बात, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए संतों ने कहा था कि राम मंदिर मुद्दे पर विधान लाया जाए, कानून लाया जाए, और कानून जो है वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की बात नहीं है, विधेयक लाया जाए, यदि लोकसभा में वो पारित होता है, यदि राज्यसभा उसे पारित नहीं करता है तो सामान्य विधेयक के तौर पर इसे ट्रीट करते हुए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन नहीं, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में बिल पास किया जा सकता है और वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। ये विकल्प सरकार के पास मौजूद है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको लगता है बीजेपी ऐसा करेगी? देखिए मुझे नहीं, मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे, आप संगीत रागी जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ऐसा करेगी, हां या ना? अजय जी मैं हां या ना में यहां कहने के लिए नहीं बैठा हूं। आपका मन क्या कहता है? हिंदू समाज, हिंदू समाज का मन यही है कि भगवान राम लला का मंदिर वहां बने। हिंदू उस आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए सवाल जो अभी संगीत रागी जी के सामने मैं रखा, शुद्ध है, मैं बीएचपी के सामने और भी शुद्ध हुआ। बीएचपी बार बार कहती है कि ऑर्डिनेंस लाइए, अजय जी, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि मौजूदा सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी, हाँ या ना? अजय जी मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ जी कि ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का भी है वहां पर मंदिर बनाने का, इसलिए इसी सत्र में कानून लाएगी सरकार, ये मुझे 100% विश्वास है और लाना भी चाहिए। लाएगी सरकार, आपको विश्वास है? लाएगी, लाएगी। सुधांशु मित्तल लाएगी तो संघ परिवार और उसके साथ साथ संघ परिवार और उसके साथ साथ बीएचपी को ये उम्मीद है कि आप लेकर आएंगे। सुधांशु मित्तल जी, क्या ये होगा? अजय जी, क्या देश दूसरे हिंदू रिवोल्यूशन की प्रतीक्षा कर रहा है क्या? 1990 सरकार क्या करेगी? सरकार उपयुक्त समय पर उसका फैसला करेगी, उसकी उसके विषय में मेरे को कोई कथन देना ना उपयोगी है ना उपयुक्त है। जफर अमीन साहब, आप कुछ कह रहे थे जी। हमारा सीधा सा कहना है कि 4.5 साल तक कुछ नहीं बोले, आज जब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार प्रदेश सरकारें विफल हो गई तो अब इसी इशू को उठाने में सब लोग मिलजुल के हवा दे रहे हैं। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं विजय शंकर तिवारी जी से, संगीत रागी जी से और सुधांशु जी से कि ये बतावें कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है, चाहे मंदिर के हक में या मस्जिद के हक में जो फैसला सुनाता है, क्या उस फैसले को मानेंगे ये लोग? यही इनसे पूछ लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये निर्णय तुरंत हो, इस देश का हिंदुस्तानी यही चाहता है कि संविधान के फैसला माना जाए। चलिए सबसे पहले सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी, अजय जी मैं बताता हूँ ना, सुनिए जी। अब वसीम गाजी जी कहते हैं कि उनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे नहीं मानेंगे। अरे भाई घुमा के बात ना करिए, जो मैं कह रहा हूँ नहीं, अजय जी इनसे पूछ लीजिए जो बात मैं कह रहा हूँ। अरे भाई मेरी बात सुनिए, क्या हो गया? सारी खत्म लग रही है इस बात पर। अरे मैं वही बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनने की हिम्मत रखिए भाई। आप में हिम्मत है बात सुनने की? बड़े अदब से मैं सुधांशु जी की बात सुन लेते हैं, प्लीज प्लीज आई जाए, सुधांशु जी की बात सुन लेते हैं। मैं आप मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए ना, नहीं जल्दी जल्दी फैसले की बात कर रहे हैं, जो फैसला दे दे उसको सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे बात तो करिए, वो इस देश के नागरिकों पे बात दे। लेकिन इसके अगर कोई वैकल्पिक, चुप रहते जरा सुधांशु जी की बात सुन लेते हैं, कम से कम सरकार क्या सोच रही है समझ लीजिए। तिवारी जी भी कहते हैं, जफर अमीन साहब जरा एक मिनट सुन तो लीजिए, सरकार की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं जी। सुधांशु जी प्लीज बताइए साहब। अजय जी हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बाध्य है, उसमें मानना ना मानने का कहां प्रश्न आ गया? पूछे कि माने जा रहे भाई, आप कौन होते नहीं मानने वाले? कोई भी कौन होता नहीं मानने वाले? साबरीमाला पे क्यों नहीं मान रहे? आप ये फैसला साबरीमाला पे क्यों नहीं मान रहे? मान क्या नहीं रहे? हर एक को
हर एक को किसी भी फैसले की आलोचना करने का हक है। झूठे जिस देवी के हर एक आदमी को किसी भी फैसले का विरोध करने का हक है, और उसके बाद संवैधानिक वैकल्प है, और कोई भी संवैधानिक वैकल्प होगा उसके उसको उस विकल्प की तरफ जाने का हर एक को हक है। ये हमारा संविधान है। आप साबरीमाला, अरे भाई आप कमाल क्या दिए, बयान शाहबानो आपने नहीं माना वो छोड़िए, मैं आपके फैसला नहीं माना। मैं सिर्फ गाजी साहब से एक पूछना चाहता हूँ, गाजी जी एक चीज बताइए, गाजी जी एक बताइए मुझे तो सिर्फ, वसीम जी जी सुन रहे, राम लला का जहाँ जन्म स्थान है आप कहते हैं आपकी जगह है, ठीक है। अब बड़ा मजा आया था, अलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तिहाई हिस्सा दिया राम जन्मभूमि न्यास को, एक तिहाई हिस्सा दिया निर्मोही अखाड़े को, वो तीसरा एक तिहाई हिस्सा किसको दिया? भाई ये तो अभी टाइटल सूट है, तो टाइटल में किसको टाइटल दिया था? सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जरा, नहीं साहब झूठ, देखिए यही मैं चाहता था कि पता लगे, आप जैसे पढ़ा लिखा आदमी टेलीविजन पे आके झूठ बोल दे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की चीज नहीं है। सुनिए हाई कोर्ट का फैसला, मैं बताता हूँ ना, मुझसे पूछे तो एक बार, एक सुनने वक्त हाई कोर्ट का फैसला है मुस्लिम पक्ष को, महाराज सुनिए ना, स्टे कर दिया वो बहस का। अरे कमाल है भाई, ये कमाल कैसे आदमी है, हिम्मत नहीं है सत्य सुनने की, सत्य की सुनने की हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत है सुनने की तो सुनिए ना। आप जब प्रश्न पूछते हैं मैं जवाब देता हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं जवाब दीजिए, आपके यहां कौन हकदार है? क्यों, एक और बात समझ लीजिए, 1982 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इसमें मलकियत नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय पहले तय कर चुका है। आप गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आप देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय यह तय कर चुका है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि 1944 का जो नोटिफिकेशन था वो निरस्त हो चुका है। तो आपके यहां ये जगह किसकी है? आप तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, भाई ये तो बताइए आपके यहां जगह किसकी है? आप डिस्प्यूट क्या चल रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुधांशु जी बताइए डीजल पेट्रोल और रसोई का दाम कब कम करेंगे? आप बताइए ना क्या डिस्प्यूट है? मैं तो अभी तक नहीं पता, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है यहाँ तो? नहीं नहीं सुधांशु जी, हाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है। अच्छा चलिए आइए, कौन मैं खाम का, आइए आइए आइए, मैं अपने बोर्ड की जगह नहीं, सुधांशु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इस बहस को जरा कंक्लूड करना है, आपकी जगह मैं क्षमा चाहता हूँ, इस बहस को मुझे कंक्लूड करना है, इसलिए आइए जरा मूल मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी समझिए, मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, अपनी बहस जगह मेरी है, हिंदुत्व ही एक वो एजेंडा है जिसके आधार पर या तो शिव भक्त राहुल या फिर राम भक्त भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, यही वो मुद्दा है जो आज देश के सामने सबसे प्रमुख और सबसे प्रबल है। भारत के नागरिकों मुझे याद आती है, मैं आराम से कीजिए जी, बस एक आस्था का मुद्दा तो हो सकता है जी, मगर गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस के लिए मोदी जी के मॉडल से पूछ रहे हैं देश के लोग कि 12 लाख करोड़ रुपए की पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लूट कर ली, 11 लाख करोड़ रुपए के बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं, 22 लोग हिंदुस्तान का 1 लाख करोड़ रुपया लेकर भाग गए, 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलैप्स हो गई, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थितियां बहुत हिंदुस्तान में है, इन सबको कब एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री जी? फिर चुनाव आया कि फिर शमशान कब्रिस्तान, दिवाली रमजान ये प्रारंभ कर देंगे प्रधानमंत्री जी? देश पूछना चाहता है कि क्या हुआ 91% आपके मुद्रा के लोन 23,000 रुपए के हैं, शिशु लोन है, पकोड़े का ठेला भी हिंदुस्तान में उससे नहीं लगता, आप इकोनॉमिक सेंसस का डेटा उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा ध्वनि तो सुनाई दे रही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आज सबसे ज्यादा ध्वनि सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर और हिंदुत्व की सुनाई दे रही है, अफसोस के साथ, लेकिन यही आज की हमारी सच्चाई है। विजय जी एक छोटी टिप्पणी आपकी, विजय जी ये राम विलास 2014 से पहले, 2014 बोलता हूँ, 2014 से पहले हिंदुत्व पर ये चमके से भी छूना चाहते थे, आज ममता जी 10,000 रुपए पर पंडाल दे रही हैं और इनके गुरु इनके नेता जी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, जो कभी भी मंदिर नहीं जाता तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, इसका मतलब एक आप बताइए
कैलाश पर्वत पर जाने वाले कैलाश पर्वत की बार मोदी सरकार जी बहुत आज की बार मोदी सरकार किसानों का बहुत मिल गई को बातें सारी। रागी जी एक बात छोटी टिप्पणी, हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदुत्व इसके अलावा और कुछ नहीं, यही है मुद्दा। देखिए देखिए 2019 की लड़ाई राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय पार्टियों के तत्वों के बीच में होने वाली है। जो लोग इस देश की मूलभूत चेतना इस देश की संस्कृति के साथ खड़े हैं उन ताकतों और वे ताकतें जो नकली हैं ढोंगी हैं और इस देश के अंदर से खोखला कर रही हैं उन ताकतों के बीच में 2019 में संघर्ष होने वाला है। आपके हिसाब से भी ये बहुत परीक्षा की घड़ी होगी और बहुत निर्णायक। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्षमा चाहता हूं इस बहस को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि अभी से लेकर मई 2019 तक हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदुत्व इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लगातार दिखते रहिए न्यूज़ में। छूने का आरोप लगाया।